तो वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो भाई टाइटल और थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हम किस वीडियो का रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए भाई रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई 1 2 3 स्टार्ट। तालिबान पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांटना चाहता है, यानी अगर उनका प्लान सक्सेसफुल रहा तो कल का पाकिस्तान कुछ ऐसा नहीं ऐसा दिखेगा। भारत और पाकिस्तान राइवल्स है, हम सबको पता है। लेकिन एक और ऐसा देश है जो पाकिस्तान से और भी ज्यादा प्यार करता है। एक ऐसा देश जिसका पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट उस समय से चल रहा है जब पाकिस्तान बना भी नहीं था, और वो है अफगानिस्तान। चाहे वो तालिबान हो या कोई अफगानी इंसान, उससे पाकिस्तान के बारे में बात करो तो उसे गुस्सा आता है। लेकिन क्यों? व्हाई डज अफगानिस्तान हेट पाकिस्तान? 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़कर भागने का डिसीजन लिया तो उन्हें लगा कि अफगानिस्तान की सरकार अफगानिस्तान को संभाल पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ 10 दिनों में तालिबान ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल जमा लिया। तालिबान ने आज अफगानिस्तान में अपनी सरकार बना ली, और इसके इनॉग्रल सेरेमनी में उन्होंने सिर्फ 6 देशों को इन्वाइट किया, उसमें से ही एक था पाकिस्तान। पाकिस्तान तालिबान से खुश था, आफ्टर ऑल पाकिस्तानी सेना ने ही एक जमाने में उन्हें ट्रेन किया। तालिबान का लिटरल मीनिंग है स्टूडेंट। इस लॉजिक से तालिबान और अफगानिस्तान पाकिस्तान का दोस्त होना चाहिए, राइट? लेकिन ये बस आधा सच। जैसे भारत में फैमिली पॉलिटिक्स है, वैसे ही पाकिस्तान में भी दो बड़ी फैमिलीज है जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को आज तक कंट्रोल करती आई। एक है शरीफ फैमिली और दूसरी है जरदारी फैमिली, जिन्हें हम भुट्टो के नाम से जानते हैं। 27 दिसंबर 2007 बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी में एक रैली में थे। ये एक ऐसी लीडर है जो 2 बार पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी। अचानक गोलियां चली और एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन हो गया। इसमें तालिबान का हाथ था। 2014 में उन्होंने सबसे घिनौना और ब्रूटल अटैक पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर किया। इसमें 150 लोग मारे गए जिसमें से 134 स्टूडेंट्स थे, बच्चे। अब 2022 में ऐसे अटैक्स और बढ़ रहे हैं जिसमें तालिबान का हाथ। इनफैक्ट पिछले साल तालिबान में पूरे पाकिस्तान में 262 अटैक्स। बात हो रही है TTP यानी तहरीके तालिबान। ये एक पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा हेडेक बन चुका। जब तक अमेरिकन मिलिट्री अफगानिस्तान में थी तब तक उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई तो था, अब वो बेकाबू हो चुके हैं। प्लस उन्हें अफगानी तालिबान का फुल सपोर्ट है। जो हथियार अमेरिकन पीछे छोड़ गए थे वही हथियार यूज करके पाकिस्तान की आम जनता पर अटैक हो रहा है। चैप्टर 2, अफगानिस्तान की हिस्ट्री। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तब अफगानिस्तान इकलौता ऐसा देश था जिसने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया। वो शुरू से ही पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन करने से रोकना चाहता था। मॉडर्न डे अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए हमें थोड़ा रिवाइंड करना होगा। कॉलोनाइजेशन ने ही इस कॉन्फ्लिक्ट के भी बीज बोए थे। 1830 में जैसे ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान में अपना एम्पायर खड़ा कर रहे थे, वैसे ही एक और देश रेस्ट ऑफ एशिया में अपना एम्पायर एक्सपांड कर रहा था, और वो है इंपीरियलिस्ट रशिया। इस एक्सपांशनिस्ट एटीट्यूड को स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना कहते हैं। एक कोल्ड वॉर की तरह 100 से ज्यादा सालों के लिए इन दोनों देशों के बीच एक पावर प्ले चल रहा था जिसे कहते हैं द ग्रेट गेम। और ये नाम कितना अप्रोप्रिएट, सिर्फ अपनी सत्ता एक्सपांड करने के लिए, सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इन दो पावर्स ने आधी दुनिया को एक आग में ढकेल दिया। बेसिकली हो ये रहा था कि ब्रिटेन ने अफगानिस्तान, टर्की, पर्शिया से निकलने वाले ट्रेड रूट्स बनाए थे जो रशिया कैप्चर करना चाहता। अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन ने 4 वॉर्स लड़े और वो चारों के चारों हार। आफ्टर ऑल अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। ब्रिटेन के लिए अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक बफर जैसा काम करता था। ये कार्टून उस समय के अफगानिस्तान की सिचुएशन को एक्यूरेटली दर्शाता। ये है आमिर ऑफ अफगानिस्तान जो ब्रिटिश लायन और रशियन बेयर के बीच फंस चुका। 12 नवंबर 1893 में आमिर अब्दुल रहमान और ब्रिटिश इंडिया के मोर्टिमर डुरांट के बीच एक पैक्ट हुआ और डुरांट लाइन बन गई। ये बेसिकली एक बॉर्डर थी जिसके एक साइड था अफगानिस्तान और दूसरे साइड था ब्रिटिश इंडिया यानी आज का पाकिस्तान। अफगानिस्तान के कुछ एरियाज ब्रिटिश इंडिया में चले गए और ब्रिटिश इंडिया को उनका कंट्रोल मिल गया। 1919 के बाद अफगानिस्तान कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया और 1947 में पाकिस्तान बन गया। लेकिन ब्रिटिशों ने जाते जाते जैसे भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को अधूरा छोड़ दिया, वैसे ही इस कॉन्फ्लिक्ट को भी अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि 1921 की एंग्लो अफगान ट्रीटी में एक इम्पोर्टेंट लाइन है, दिस ट्रीटी विल बी इन फोर्स फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स सिग्नेचर। दैट्स व्हाई अफगानिस्तान के लोग मानते हैं कि डुरांट लाइन का वो अग्रीमेंट ब्रिटिश इंडिया के साथ था, ना कि पाकिस्तान के साथ। तो ब्रिटिश इंडिया से जाने के बाद वो अग्रीमेंट भी वॉइड होना चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे ब्रिटिश इंडिया के लोगों को और प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया था,
कि आपको भारत का हिस्सा बनना है या पाकिस्तान का, ऐसा ही ऑप्शन बॉर्डरिंग एरियाज में रहने वाले लोगों को भी देना इम्पोर्टेंट था। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर पाश्तूनी लोग रहते हैं। अफगानिस्तान डुरंड लाइन को ऑफिशियल मानने के लिए तैयार नहीं था, तो पाकिस्तान ने 1949 में इन एरियाज पर अटैक कर दिया जहाँ कई पाश्तूनी लोग मारे गए। 1950s में ब्रिटिशों ने कहा कि डुरंड लाइन ही ऑफिशियल है और अफगानिस्तान को इस लाइन को मानना ही पड़ेगा। और ऐसे ही करते करते 1970s तक दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर छोटे मोटे झगड़े होते रहे। चैप्टर 3, यूजिंग अफगानिस्तान टू डिफीट इंडिया। पाकिस्तान और भारत के रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली दैट्स एन अंडरस्टेटमेंट। पाकिस्तान की मिलिट्री ने पिछले 50 सालों के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव रखा था कि भारत को डिस्ट्रॉय करना। जब जिया उल हक पावर में आए तब तक ऑलरेडी पाकिस्तान भारत से 3 वॉर्स लड़ चुका था और हार चुका था। अब उन्हें एक अलग स्ट्रेटेजी की जरूरत थी। पाकिस्तानी मिलिट्री ने एक डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ। इस स्ट्रेटेजी से पाकिस्तान ने अफगानिस्तानी गवर्नमेंट में इंटरफियर करना स्टार्ट किया। अफगानिस्तान को एज अ पॉन कंट्रोल करना स्टार्ट। अगर भारत पाकिस्तान पर फ्यूचर में अटैक करता है तो अफगानिस्तान में अपने हथियार, अपने टैंक्स, अपनी मिलिट्री के बेसिस बन सकता है। अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत पर काउंटर अटैक करने के लिए किया जा सकता है। यही सोचकर उन्होंने डुरंड लाइन पर जो लोग थे उनके हाथों में हथियार थमाना स्टार्ट किया। ट्राइबल लोगों को मिलिटेंट्स बनाया। आज उन्हीं मिलिटेंट्स की वजह से TTP जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी आम जनता के लिए एक थ्रेट बन चुकी है। पाकिस्तान पर भी अटैक्स होते हैं जिनमें आम लोग मरते हैं। इफ यू हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड You can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. It would be insensitive to say कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन सच तो यही है कि आज पाकिस्तान को भारत से जितना खतरा है उससे कई ज्यादा खतरा TTP से, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे पाकिस्तानी लीडरशिप ने ही बनाया। चैप्टर 4, पाकिस्तान इन बिग ट्रबल। आज पाकिस्तान के लिए एक ट्रिपल थ्रेट पैदा हो गई। भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, नीचे बलोचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और अफगानिस्तान साइड से TTP पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। TTP पाकिस्तान में एक इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहता है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहता है। TTP चाहता है कि ये पूरा एरिया जिसे फाटा कहते हैं वो उन्हें सौंप दिया जाए जहां वो अपनी कैलिफेट एस्टैब्लिश करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो POK को पाकिस्तान का हिस्सा मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि ये इंडिया का है और पाकिस्तान को इसे इंडिया को लौटा देना चाहिए। बेसिकली अगर आज उन्हें फाटा एरिया का कंट्रोल मिल जाता है फिर भी वो तीनों साइड से पाकिस्तान से घिरे होंगे, लेकिन अगर POK भारत का हिस्सा बन जाता है तो एटलीस्ट एक साइड में भारत होगा। और इंडिया ने पिछले 75 सालों से नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी अपनाई है, यानी हम पहले किसी पर भी अटैक नहीं करते। साथ ही साथ TTP ये भी चाहता है कि बलोचिस्तान एक अलग देश बन जाए, पंजाब अलग हो जाए, सिंध अलग हो जाए, यानी इनका एजेंडा पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने का। चैप्टर 5, कंक्लूजन। जब अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आया तो पाकिस्तान खुश था। उन्हें लगा था कि अब हम तालिबान के साथ नेगोशिएट करके अपने आपसी प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं, लेकिन हुआ एग्जैक्टली उल्टा। अफगानिस्तान आज भी डुरंड लाइन को ऑफिशियल नहीं मानता और ये पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा हेडेक है। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। यहाँ के लोगों के पास जॉब्स नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, बिजली रिलायबल नहीं है, और इन सारे बातों के रूट्स पाकिस्तानी मिलिट्री के मिलिटेंसी को सपोर्ट करने से जुड़े हुए। सोचिए अगर उनके इतने सारे रिसोर्सेस, इतना सारा पावर, इतना सारा अटेंशन, इतना सारा पैसा अगर मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हुए ना जाता तो आज वो देश कहां का कहां होता। चलो भाई लोग, आपको भी पता चल गया होगा कि क्यों इतनी दुश्मनी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो में कौन सा जो टॉपिक था वो अच्छा लगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक करते जाना, और मिलते हैं आपको एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।